बाबा मेरे संग संग चलते हैं, बाबा मेरे संग संग चलते हैं, बाबा मेरे संग संग चलते हैं, बाबा जैसे गगन में चांद चलता है चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। परम हंस से उतर गए, 24 घंटे के लिए मेरे मस्तक पर स्थित हो गए हैं, निरंतर उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है, मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। सोचो में भवरों की तरह, नाचो में जो मोर की तरह, बोलूं में कोयल की तरह, मुस्काओं में फूलों की तरह, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, जैसे सावन में बरसता है बरसता है, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, सचमुच बाबा मेरे साथ है, मैं जहां भी जाऊं कोई भी सेवा करूं, 24 घंटे छत्र छाए के रूप में शिव बाबा मेरे साथ है। देखूं मैं चकोर की तरह, झूमूं मैं लहरों की तरह, झूमूं मैं जुगनू की तरह, मुस्काओं में फूलों की तरह, मेरा तन बह चाहिए और अच्छे मेरे संग संग चलते क्योंकि इसी निश्चय से अब देखो प्रहलाद ने कहा कि दीवार में एक खंभ में भगवान है, इसमें कहा है बोला है, इसकी निश्चय इसकी प्यार इसकी एक्सप्रेशन इसकी फीलिंग से वहां भगवान को आना, तो मेरी फीलिंग इतना क्रिएट होना चाहिए तो बाबा ऑटोमेटिक आ जाएगा, हाँ या ना, और आप फिर बाबा आ गया, आ जाओ बाबा, आई नहीं बोलो बाबा। ऐसे ही जैसे हमने कहा ना, अगर मैं जो संकल्प करता हूं मेरे सामने चित्र बनते तो उस चित्र को बना के संपूर्ण रूप से साकार कैसे करें, जो मैंने कहा
ये विघ्न हुआ तो हमने फरिश्ता छोड़ दिया। उड़ीसा का एक अनुभव सुनाता हूं, अनुभव सुनाता हूँ। एक माता जी बैठी थी और उन्होंने पहला दिन भट्टी किया, दूसरे दिन भट्टी किया, शाम को उनकी बेटे का फोन आया कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो बाइक में जा रहा था, उसको पीछे से किसी ने टक्कर मारा और वो नीचे गिरा तो पीठ पर छिल गया चमड़ी, चमड़ी छिल गया और पूरा लाल लाल हो गया है, इधर भी छिल गया है। और उसको देखो बात वहां हुई है, मैं मुस्कुरा के सुना रहा हूँ लेकिन आप क्रिएट कर रहे हो, दुख क्रिएट कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है। अंदर में क्या करना है, दिया जलाना है, दुख की बातों में हमें उसको सुख भरना है उसको। तो माता जी को फोन आया तो माता जी ने तुरंत, क्योंकि फरिश्ता स्वरूप का प्रयोग सीख गई थी वो, तो एक फरिश्ता छोड़ दिया। ऐसी घटना घट रही है तो मम्मी को जाना चाहिए, नहीं तुरंत जाना चाहिए, और तैयार भी हो गई। लेकिन बेटा हॉस्पिटल में रहते हुए फोन कर रहा है, मम्मी आपको आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे रिलैक्स कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, आप निश्चिंत होकर वहां प्रोग्राम करो, आओ नहीं। मैंने दिल से बोल रहा है, ऐसे नहीं कि कोई आर्टिफिशियल बातें। और माता जी को अनुभव हुआ नहीं मुझे भट्टी अटेंड करनी है, क्योंकि उन्होंने फरिश्ता छोड़ते ही उसको दर्द की राहत इतनी अच्छी तरीके। आपने देखा होगा हो सकता है, हाँ जी तो बोलो। मैं सिलीगुड़ी में गया था, एक्चुअली गया था रायगंज बंगाल में, वहां भर्ती करा के जब रिटर्न किया तो सिलीगुड़ी में एक घंटे के लिए एक सेंट्रल क्लास था। ऐसे इतनी भाई बहन बैठे होंगे तो क्लास में बैठते हुए एक भाई क्लास के बाद तुरंत दौड़ के जैसे गगन में चांद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। परम धाम से उतर गए, 24 घंटे के लिए मेरे मस्तक की उपस्थित हो गए, निरंतर उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है, मैं आत्म सितारा बाबा बनता जा रहा हूं। सोचूं मैं बबलों की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, मुस्काऊं मैं फूलों की तरह, मेरी यादों में रहते हैं मेरी यादों में रहते हैं बाबा, जैसे सावन में भी बरसता है मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा। सचमुच बाबा मेरे साथ है, मैं जहां भी जाऊं कोई भी सेवा करूं 24 घंटे छत्र छाए के रूप में शिव बाबा मेरे साथ हैं। देखूं मैं चकोर की तरह, झूमूं मैं लहरों की तरह, झूमूं मैं जुगनू की तरह, मेरा मन बहलाते बाबा।